तुम्हारे डेडबॉडी जाएगी बहू के। उत्तर प्रदेश के हरदोई में परिवहन विभाग के रिटायर्ड सिपाही ने महज इस बात पर फायरिंग कर दी कि उसके बेटे और बहू में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इतना ही नहीं, नशे में धुत रिटायर्ड सिपाही ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी। जब इस बात की सूचना बेटे ने पुलिस को दी तो पुलिस ने रिटायर्ड सिपाही को गिरफ्तार कर लिया और उसके कमरे से 2 अवैध तमंचे और लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद की। फिलहाल पुलिस ने लाइसेंसी रिवॉल्वर के निलंबन की कार्यवाही भी करने को कहा है। स्वर्गीय रामचंद्र गुप्ता हैं जो कि रिटायर्ड टीओ के सिपाही हैं और इन्होंने आज अपने घर में कमरा बंद करके अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर किया और उत्पात किया शराब पी करके। इस सूचना पर पुलिस जब पहुंची मौके पे तो वो घर के अंदर कमरे में दरवाज़ा बंद करके अंदर छुपे थे। पुलिस ने उनके परिवार वालों की मदद से दरवाज़ा तोड़ करके उनको बाहर निकाला तो उनके लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ 7 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस और 1 मिस कारतूस बरामद हुआ। साथ ही साथ उनके कमरे की तलाशी ली गई तो 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है जो लाइसेंसी शस्त्र की शर्तों का उल्लंघन करने का, साथ ही साथ 2 अवैध तमंचे मिले उसका भी मुकदमा कायम किया गया है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आवश्यक कार्रवाई करा रही है। ऐसे में सरकार में अपनी सेवा दे चुके लोग इस तरह के काम करते हैं तो पूरे प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि ऐसे लोगों को हथियार रखने के लाइसेंस कैसे मिल जाते हैं। हरदोई से न्यूज के लिए राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट।